नमस्कार। दोपहर के 2:30 बज रहे हैं और वक्त हो चला है हल्ला बोलने का। हल्ला बोलने के इस कार्यक्रम में आज बात करेंगे गांव तिलपत की, जो बदहाली के आंसू रो रहा है। फरदाबाद का तिलपत गांव, जहां पर सड़कों पर गंदगी फैली हुई है, स्कूलों में शौचालय की व्यवस्था नहीं है और ये गांव खुद कृष्ण पाल गुर्जर ने गोद लिया हुआ है, लेकिन फिर भी इसकी हालत खस्ता है। और ऐसे में सवाल आखिरकार यही उठ रहा है कि आखिरकार क्या नाम के लिए ये गांव गोद लिए जाते हैं और क्या वाकई ही चौकीदार गांव की चौकीदारी नहीं कर पा रहे हैं। तमाम तरह के सवाल आज आपके सामने रहने वाले हैं। हल्ला बोल के इस कार्यक्रम में आप जुड़िएगा और जवाब दीजिएगा कि चौकीदार के गांव की आखिरकार चौकीदारी कौन करेगा? क्या केवल दिखावे के लिए ये गांव गोद लिए जाते हैं? गांव की इस हालत की आखिरकार जिम्मेदार कौन है? क्योंकि तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, तस्वीरों को देखकर के आप अंदाजा लगा लीजिए कि कितनी बुरी हालत है। यहां पर गंदगी साफ दिखाई दे रही है, स्कूल में मेन गेट तक नहीं है और स्कूल में शौचालय भी नहीं है। 2200 के करीब स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन पीने के पानी की अच्छे से व्यवस्था नहीं है, शौचालय नहीं है। और ऐसे में ये जो तस्वीर सामने आ रही है, तमाम तरह के बड़े सवाल खड़े करता है कि आखिरकार खुद केंद्रीय मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर ने ये गांव गोद लिया है और बावजूद इसके जो हालत है वो बहुत ज्यादा गंदी हो गई है। तो आप जल्द से जल्द इस कार्यक्रम में जुड़े, ये नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर दे रखे हैं, आप इन नंबरों के जरिए इस कार्यक्रम में जल्द से जल्द जुड़े। तमाम तरह के सवाल आपके सामने रखे जा रहे हैं। क्या 5 सालों में आखिरकार यही विकास हुआ है? सांसद निधि से गांव को आखिरकार क्यों मदद नहीं मिल पाई है? चौकीदार के गांव की आखिरकार चौकीदारी करेगा कौन? क्या केवल दिखावे के लिए ये गांव गोद लिए जाते हैं? गांव की इस हालत का आखिरकार जिम्मेदार कौन है? आपके इलाके में विकास का क्या हाल है? नहीं मिल रही है। ये जो तस्वीरें दिखा रहे हैं, ऐसी तस्वीरें आपको अपने इलाके में भी दिखती होंगे, इसलिए जितने भी दर्शक ये कार्यक्रम देख रहे हैं, जरूर इस कार्यक्रम में जुड़ने की कोशिश करें और आपके इलाके में विकास का क्या हाल है यह भी बताएं, क्योंकि 5 साल में बीजेपी ने क्या विकास किया है आपके इलाके में, यह भी सीधा सवाल आज आपसे पूछ रहे हैं। क्योंकि चुनाव नजदीक है, ऐसे में सभी अपनी समस्याओं को सामने रख रहे हैं। आपके लिए भी हल्ला बोल का ये मंच रखा गया है, जिसमें जुड़कर के आप हल्ला बोल सकते हैं। आपके इलाके में क्या कुछ विकास का हाल है, गंदगी का हाल है, सरकारी स्कूलों की क्या व्यवस्था है और उसमें बच्चों को कितनी सुविधाएं मिल पा रही हैं? ये तमाम तरह के सवाल है आपके सामने। आप इस कार्यक्रम में जरूर जुड़े और जल्द से जल्द बताएं कि आपके इलाके में विकास की क्या कुछ व्यवस्था, क्योंकि आप तस्वीरें देखें और आप तस्वीरों को देख करके अंदाजा लगाए कि तिलपत गांव आखिरकार बदहाली के आंसू क्यों रो रहा है। क्योंकि खुद केंद्रीय मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर ने इस गांव को गोद लिया है, जो खुद के आगे चौकीदार लगाते हैं, लेकिन सवाल आम जनता उनसे यही पूछ रही है कि खुद को चौकीदार कहने वाले आखिरकार गांव की चौकीदारी करेंगे कब? आदर्श गांव की जो चुनावी भाषणों में बिगुल फूका जाता है कि आदर्श गांव बना रही है बीजेपी, आखिरकार उसकी असल तस्वीर दिखेगी कब? जमीनी स्तर पर तो नहीं दिख रही है, ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर दिख ही रही है। साथ के साथ आपके इलाके में क्या कुछ समस्याएं आ रही हैं वो भी आप बता सकते हैं। तो लगातार कहा जाता है कि हरियाणा के गांव जो है वो आदर्श बन रहे हैं, सड़कें पक्की हो रही हैं, रफ्तार से बातें कर रही हैं, पीने के पानी की उचित व्यवस्था है, शौचालय जगह जगह बन चुके हैं, सरकारी स्कूल पहले से बहुत ज्यादा अच्छे हो गए हैं, प्राइवेट स्कूलों को मात दे रहे हैं। लेकिन क्या वाकई ये जो भाषणों में बोला जाता है, क्या वाकई ये सब कुछ है? आप इस कार्यक्रम में जरूर जुड़ करके बताएं, क्योंकि एक गांव की हालत तो हम आपको बता ही रहे हैं, जिसे केंद्रीय मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर ने गोद लिया है, लेकिन वो आजकल कहां है ये दिख नहीं रहा है। उन्होंने शायद एक बार भी ये जानने की कोशिश नहीं की होगी कि जिस गांव को उन्होंने गोद लिया है उसकी आखिरकार हालत क्या है। तो आपकी टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं, नंबरों के जरिए आप इस कार्यक्रम में जरूर जुड़े।
गोद लिए गांव की हालत जो है वो खस्ता दिखाई दे रही है। बदहाली में तिलपत गांव तड़प रहा है। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर ने इस गांव को गोद लिया है और गांव के सरकारी स्कूल की भी जो हालत है वो बहुत ज्यादा बदहाल है। 2200 छात्र छात्राओं का स्कूल जाना मुहाल हो गया है। तो गांव के सरकारी स्कूल में बदहाली का आलम है और ये कहा भी जाता है कि विकास की जो लहर सबसे पहले उठती है वो गांव से उठती है, क्योंकि गांव से शहरों का जो जुड़ाव होता है वो सड़कों के थ्रू होता है। लेकिन सड़कें भी कुछ ज्यादा अच्छी है नहीं, क्योंकि सड़कों पर चारों ओर गंदगी पसरी हुई है, सड़कें टूटी पड़ी हैं, जो दुपहिया वाहन है वो भी सही से गुजर नहीं पा रहे हैं, तो आप फोर व्हीलर का तो अंदाजा लगा ही सकते हैं। लेकिन सवाल ऐसे में यही उठ रहा है कि क्या 5 सालों में यही विकास हुआ है? सांसद निधि से गांव को आखिरकार मदद क्यों नहीं मिल पा रही है? सरकार आखिरकार जो फंड देती है उसका इस्तेमाल कहां हो रहा है? क्या अपनी जेबें भरी जा रही है या फिर वाकई गांव में विकास के लिए यहां पर ध्यान दिया जा रहा है? गांव की इस हालत का आखिरकार जिम्मेदार कौन है? आपके इलाके में क्या कुछ व्यवस्था है सफाई की, ये भी हम आपसे पूछ रहे हैं। तो आप हरियाणा न्यूज से जुड़िए, हल्ला बोल में हल्ला बोलिए, क्योंकि ये मंच आपके लिए रखा गया है, आपके विचारों का हम स्वागत करते हैं और ये आप जनता है, आप भी असली रिपोर्टर बन सकते हैं और जानकारी हमें दे सकते हैं आपके इलाके की कि क्या कुछ हालत है आपके इलाके में, क्योंकि जनता ही बताती है आखिरकार कि हमारे इलाके में ये दिक्कत आ रही है। क्योंकि इससे पहले भी हमने सफाई व्यवस्था को लेकर के कई कार्यक्रम करवाए हैं और उसमें जनता ही जुड़ करके बताती है कि कुरुक्षेत्र में बुरा हाल है, करनाल में बुरा हाल है, पानीपत में बुरा हाल है। तो जितने भी दर्शक इस वक्त इस कार्यक्रम को देख रहे हैं वो इस कार्यक्रम में जरूर जुड़े और बताएं कि उनके इलाके में सफाई व्यवस्था कैसी है और कितनी सड़कें पक्की है, पानी की क्या व्यवस्था है। ये जो आधारभूत सुविधाएं जो है, बेसिक नीड्स जो है, वो आपको मिल पा रही है या फिर नहीं? बीजेपी कितनी कारगर साबित हुई है 5 साल में, कितना आपको खुश कर पाई है, ये भी सीधा सा सवाल है आपके सामने। सांसद फंड से गांव को आखिरकार क्यों कुछ नहीं मिल पाए, तिलपत गांव के लिए तो हम पूछ ही रहे हैं, लेकिन आप भी सवाल उठा सकते हैं हल्ला बोल के इस मंच से। क्या 5 सालों में यही विकास हुआ है? चार ओर गंदगी है, ये विकास है? स्कूलों में शौचालय नहीं है, ये विकास है? पिछले 5 साल से तिलपत गांव का जो सरकारी स्कूल है उसकी बिल्डिंग जर्जर हालत में है, बच्चे वहीं पर पढ़ते हैं, मेन गेट नहीं है, चौकीदार बैठा नहीं है वहां पर, और तो और शौचालय की व्यवस्था नहीं है। जिस स्कूल में 2200 बच्चे पढ़ते हो आप अंदाजा लगाइए कि शौचालय वहां पर नहीं है। शौचालय है लेकिन वो बन नहीं पा रहा, उसकी हालत भी खस्ता है, तो आप अंदाजा लगाइए कि किस तरह से बच्चे वहां पर पढ़ रहे होंगे। हो रहे हैं नंबरों के जरिए आप इस कार्यक्रम में जुड़िए और बताइए कि क्या आपके इलाके में सफाई करने के लिए कर्मचारी समय पर आते हैं या फिर नहीं। अगर आप घर से बाहर निकलते हैं सड़कों की क्या हालत है, सड़कों के आसपास क्या आपको भी गंदगी का अंबार देखने को मिलता है, समय पर कूड़ा उठाया जाता है या फिर नहीं। और ये जो स्वच्छ भारत की कल्पना बीजेपी सरकार करती है क्या उसे साकार भी कर पा रही है? ये तमाम तरह के बड़े सवाल आपके सामने है। बुनियादी सुविधाओं के लिए स्कूल आखिरकार जूझ रहा है, तिलपत गांव बुनियादी सुविधाओं के लिए जूझ रहा है, ये तमाम तरह के बड़े सवाल कि आखिरकार 5 साल में गांव का विकास हो क्यों नहीं पाया। आदर्श गांव की हम संज्ञा देते हैं हरियाणा के गांव की, लेकिन क्या आदर्श गांव की असल तस्वीर यही है? हाईटेक गांव हो नहीं पा रहे हैं लेकिन नाम दे दिया जाता है कि हाईटेक गांव।
बड़ा सवाल ये, जो चौकीदारी का आजकल कैंपेन चला है, आजकल हर कोई अपने आप को चौकीदार कह रहा है, कि चौकीदार की यही चौकीदारी है। महेंद्र कुमार कार्यक्रम के पहले दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। महेंद्र कुमार कहिए, क्या कुछ कहेंगे आप? रखा जी, ये अपने जो है कि ये कह रहे हैं भाई चौकीदार तो ये हर एक जगह ऐसा ही हाल है। एक बार सेक्टर 13 भिवानी हुड्डा का भी दिखाओ आप, सारी सड़कें सारे सीवर ब्लॉक हैं। ठीक है, तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि ये नहीं है, ये हरियाणा न्यूज से मेरा अनुरोध है कि एक बार हमारा भिवानी एरिया सेक्टर 13 हुड्डा जो है कि सारी सड़कें टूटी हुई है, सारे सीवर डंप है, झाड़ू वाला कभी नहीं आया। 2 साल हो गए मुझे इस सेक्टर में रहते हैं। ठीक है, तो एक बार आप अपना हरियाणा न्यूज इधर भी घुमाओ ना, सेक्टर 13 में आप देखो क्या बिल्कुल, हाल है। बिल्कुल आप जानकारी दे रहे हैं तो हम जरूर अपना रिपोर्टर वहां पर भेजेंगे भी और वहां से भी जमीनी स्तर पर हालात दिखाएंगे। इसीलिए कार्यक्रम आपके लिए रखा है ताकि आप जनता खुद रिपोर्टर बने और हमें बताएं, असल पत्रकार आप भी बन सकते हैं। आप बताएं हमें कि आपके इलाके में क्या कुछ दिक्कतें आ रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया महेंद्र कुमार। महेंद्र कुमार कह रहे हैं कि भिवानी के सेक्टर 13 में भी कुछ हालात ऐसे ही हैं। दिलीप कुमार अगले दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिलीप कुमार कहिए। दिलीप आप हैं हमारे साथ? चलिए लगता है संपर्क दिलीप कुमार से हमारे साथ हो नहीं पाया। दिलीप दोबारा कोशिश करें जुड़ने की और बताएं कि समस्या क्या आ रही है। महेंद्र कुमार हमारे साथ जुड़े थे, बात कर रहे थे भिवानी के सेक्टर 13 की, कि वहां पर भी हालात कुछ ऐसे ही है। सीवेज जो पाइपलाइन है वो लीक हो रही है, सड़कों पर पानी है और जिले सिंह अगले दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जिले सिंह कहिए, क्या कुछ समस्या आपके इलाके में आ रही है? नमस्कार जी। जी नमस्कार। बस देखा गया है कि तकरीबन जो है स्टाफ जो है वो 2 या 4% 5% ऐसे हैं जो कि अपने जिम्मेदारी समझते हैं और वो सफाई का जो है महत्व भी समझते हैं। ऐसा नहीं है, जगह स्टाफ है जो कि अपने देश को सफाई रखते हैं, टॉयलेट सुखा भी है और बाथरूम वगैरह जो भी है वो रखते हैं, लेकिन ज्यादा सोच ऐसे है कि कोई इस तरह ध्यान नहीं देता, क्योंकि स्वच्छता के लिए वो अपनी जिम्मेदारी नहीं समझता। बाकी जो है कई मंत्री गोद ले लेते हैं, ये वो फंड भी अलॉट हो जाता है, लेकिन एक्चुअली में जो है ना वो काम होता नहीं है, क्योंकि उसकी तरफ रुचि नहीं है और ना ही किसी और किसी को दायित्व देते हैं कि भाई वहां संभाल करो। यानी अपने भरोसे ही जो है ना ये सब कुछ चल रहा है। जब तक हमारी सोच अच्छी नहीं होगी, सोच के बारे में हम महत्व नहीं समझेंगे, विकास के बारे में महत्व नहीं समझेंगे, ये काम में जो है ना हम सफल नहीं हो सकते। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। अगले दर्शक सोनू हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सोनू कहिए। मैम ऐसा है इनकी जो बीजेपी की है, इनकी कथनी और करनी में फर्क है। ये सिर्फ जुमले देते हैं, या कभी 15 लाख का, कभी जो गांव गोद लिए हैं, सिर्फ जुमले देते हैं, ये कुछ नहीं करते। हमारे यहाँ करनाल सीएम सिटी में भी यही हाल है। ठीक है, जो गायें हैं वो कुबारा खा रही हैं, उनकी कोई उनको गौशाला में नहीं भेजते, बुरा हाल है। बस यही कहना मैम। थैंक यू मैम, बहुत बहुत शुक्रिया सोनू आप इस कार्यक्रम में जुड़े। सोनू कह रहे हैं कि सीएम सिटी करनाल में भी यही कुछ हालत है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के उस पार इस मुद्दे पर हम बने रहेंगे। और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बात करें फरीदाबाद के तिलपत गांव की, जिसकी बदहाली की असल तस्वीर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं और पूछ रहे हैं कि आखिरकार कृष्ण पाल गुर्जर के गोद लिए गांव की हालत ऐसी होनी चाहिए? ये सवाल आपसे पूछ रहे हैं। और आपके इलाके में क्या कुछ सफाई की व्यवस्था है, ये भी सवाल हम आपसे पूछ रहे हैं। तिलपत गांव में एक सरकारी स्कूल है, वहां पर मेन गेट भी नहीं है, शौचालय भी नहीं है, चौकीदार भी वहां पर नहीं बैठा रहता है, तो आखिरकार बच्चे किस स्थिति में पढ़ रहे होंगे वहां पर, आप अंदाजा लगा लीजिए। पिछले 5 साल से वो बिल्डिंग बन नहीं पाई है सरकारी स्कूल की, और पिछले 5 साल से गांव की हालत ऐसी ही है। और जब इस पर सरपंच से जानना चाहा तो सरपंच भी यही कहते हुए नजर आए कि हालत ज्यादा टाइम से बिगड़ी नहीं है, लेकिन पिछले 2 साल से सड़कों की हालत ऐसी है, हम कोशिश कर रहे हैं लेकिन कोशिश की असल तस्वीर जमीन पर दिखाई नहीं दे रही है। तो सवाल ये कि क्या केवल दिखावे के लिए ही गांव को गोद लिया जाता है? आखिरकार खुद को चौकीदार कहने वाले गांव की चौकीदारी क्यों नहीं करते जिसको गोद लिया गया है? उसकी क्या असल तस्वीर है, क्या वो जानते हैं?
पृथ्वीराज करनाल से अगले दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पृथ्वीराज करनाल में क्या कुछ हालत है सफाई व्यवस्था की, क्योंकि सीएम सिटी है, वहां पर भी कुछ ऐसी इसी तरह की समस्याएं आ रही हैं? हाँ, समस्याएं तो यहाँ पर मैडम ये बहुत ही है, क्योंकि सीएम सिटी करनाल के अंदर ही लगा लो आप, आज मेडिकल की समस्या है, अपना जो सफाई अभियान बता रहे हो आप, रेलवे लाइन के पास आ जाए तो यहाँ पर देखो कभी नजर मारो कितनी गंदगी है, मतलब हाँ। समस्याएं बहुत है। जो लोग ये वादे करके आए थे ना, उस हिसाब से मुझे तो ये नहीं समझ आती की ये लोग एक एयर स्ट्राइक के बलबूते थे ना हिंदुस्तान में सरकार बना लेंगे। अरे इन्होंने वादे किए थे विकास के, आज विकास का ही दिखता है, बेरोजगारी मुद्दा था, बेरोजगार लोग फिरते फिर रहे हैं, वो लोग नशा पता करने लगे हैं, कोई क्या करता है, उसके बाद भ्रष्टाचार का मुद्दा था वो नहीं आया, काला धन नहीं आया, राम मंदिर का मुद्दा लिया था वो आज तक नहीं बना, कश्मीर से 370 का मुद्दा था वो आज तक नहीं हुआ, बंदी मैं कह रहा हूँ जो विकास के मुद्दे पर 56 की छाती, बहन बेटियों की सुरक्षा का मामला देख लीजिए आप, आपके टीवी चैनल पर दिखाते हैं हरियाणा न्यूज पर, ये आप ही का चैनल है जो एक छोटी छोटी न्यूज निकाल कर घरों में से जो जमीन से जुड़ी जो खबरें हैं वो दिखाते हैं, बाकी चैनल तो सारे बिके हुए हैं, ये बड़े बड़े चैनल जितने भी आज ये भारत जो चैनल चला हुआ है, जो ये सारा बीजेपी का जी न्यूज वाले सब बीजेपी के हैं। चलिए नाम लेना शायद ठीक नहीं होगा, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया, हरियाणा में उसकी प्राथमिकता यही रहती है कि हम जमीन से जुड़ी सारे खबरों को दिखाएं। दिलीप सिंह नांगल चौधरी से अगले दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नांगल चौधरी में क्या कुछ ख्याल है दिलीप सिंह, बताइए। हेलो जी जी जी, कहिए, आप जुड़ चुके हैं कार्यक्रम। जी नमस्ते मैडम जी। जी नमस्कार जी, आपको आपकी मैनेजमेंट को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सबसे ज्यादा देखो जी, आदमी की आवाज उठाते हो गरीब ईमानदार की, और गरीब ईमानदार आदमी का काम नहीं होता है, जो ग्राम रिपोर्ट है बिल्कुल जीरो है। आप सवाल जवाब बहुत अच्छे से करते हो, बहुत बढ़िया, गरीब ईमानदार की आवाज आप तुरंत उठाते हो मैडम जी। इसमें ये बिचौल हर विभाग में बिचौलिए छोड़ देते हैं, ये बिचौलिए कोई काम, सबसे ज्यादा घोटाला ये करप्शन, ये मुद्दा, ये जी अपने पूरे हरियाणा को पूरे हिंदुस्तान को, ये दिमाग की ये कैंसर का रोग है, इसको इसको सबसे पहले इसी को जड़ से उखाड़। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बिल्कुल अल्लाह बोलने की। बहुत बहुत शुक्रिया दिलीप सिंह कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। दिलीप सिंह जुड़े हैं हमारे साथ। शैलेंद्र कुमार अगले दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं हिसार से। शैलेंद्र कहिए, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप, हिसार में क्या कुछ सफाई व्यवस्था के हाल? ऐसा है जी, मेरे को ये लगता है कि गांव वाले उदास बैठे हुए ताश खेलते हो तो आप दिखा रहे हो, और ये जान करके ये गांव वाले ही उसका घेराव नहीं करते, जिसने गोद लिया था उसका घेराव करे और काले झंडे लगा के इनका एजिटेशन करे। ये नहीं है कि काम नहीं होता, काम होता है, क्यों नहीं, अपोजिशन का भी काम होता है। हमारे 7 और गाँव के अंदर, हिसार के अंदर पार्षदों के किसी वार्ड के अंदर नहीं मिला हुए इतने पैसे, इतने पैसे 7 रोज गांव का अपोजिशन का निर्णय होते हुए भी उसने 1500 मकानों के जो है पैसे पास करवा के गांव के अंदर और लगवाए हैं। ये जो है ये या तो कमी है, जो वहाँ के नागरिकों की कमी ज्यादा समझता हूँ, इन्होंने ये बिल्कुल ये बात आपने बिल्कुल सही कही है कि आम नागरिकों का भी सहयोग चाहिए, और ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ गलत ही दिखा रहे हैं, जहां पर अच्छा होता है वहां पर भी दिखाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र जुड़ने के लिए। तो बहुत थोड़ा समय बचे हैं, और आप जरूर हरियाणा न्यूज पर हल्ला बोले, आपके इलाके में क्या कुछ सफाई व्यवस्था के हाल है ये आप बता सकते हैं। लेकिन सवाल यही बन रहा है कि तिलपत गांव में पिछले 5 सालों में विकास आखिरकार हुआ क्यों नहीं है? आम नागरिकों का सहयोग तो इसमें चाहिए ही होता है, लेकिन सरकार क्या कर रही है, प्रशासन क्या कर रहा है, सरपंच क्या कर रहा है, ये तमाम तरह के बड़े सवाल आपसे। तो बदहाली में तिलपत गांव तड़प रहा है। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर ने यह गांव गोद लिया है, लेकिन शायद वो ये नहीं जानते हैं कि आखिरकार गांव की मौजूदा परिस्थिति क्या है। गांव में चारों ओर गंदगी का अंबार लगा हुआ है, सड़कें टूटी पड़ी हैं, लोग परेशान हो रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं कि आखिरकार चौकीदार कर क्या रहे हैं। सांसद फंड से गांव को कुछ नहीं मिला है ताकि गांव में विकास हो सके, गांव में हर तरफ गंदगी का अंबार लगा है।
मेहताब अगले दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मेहताब कहिए। मेहताब जी आप जुड़ चुके हैं हमारे साथ। हाँ जी मैडम, ये जो सफाई के ऊपर इन्होंने किया है 5 साल से, आप किसी भी गांव में जाके सर्वे करवा के देखो कितनी गंदगी का वो है, किसी झोड़ की सफाई नहीं है, इतने गंदगी है, स्कूल का बुरा हाल है, गलियों का बुरा हाल है, पैसा आता है खा जाते हैं उस पैसे को। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो हल्ला बोल में आज तिलपत गांव के बारे में हमने बात करी और तमाम जो दर्शक जुड़े उन्होंने अपने अपने इलाके में सफाई व्यवस्था की मौजूदा परिस्थिति बताई कि क्या क्या हाल है। बहुत बहुत शुक्रिया जितने भी दर्शक इस कार्यक्रम में जुड़े। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। We'll be right back.